एक प्लेलिस्ट है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, एक है इंग्लिश इन कॉम्पिटिशंस और एक है ASEC एलीट, ठीक है। तो ये जो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश प्लेलिस्ट है ना, इसमें आपके वो सारे वीडियोस आपके साथ में डाले जाएंगे और डिस्कस किए जाएंगे जो कि इंग्लिश को समझने के लिए बेसिक हैं, जो मतलब इन्फॉर्मेशन लेवल को क्लियर कर देते हैं, ठीक है, जिससे इन्फॉर्मेशन लेवल हमारा क्लियर हो जाता है, फिर हम इंग्लिश को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। तो जो हमारा पिछला वीडियो था इस सीरीज का, उसमें इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज लर्निंग हमने डिस्कस किया कि एक्चुअली में लैंग्वेज है क्या, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है और लैंग्वेज में मतलब हम किस तरीके से अपने को एक्सप्रेस करते हैं, वहाँ पे क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो वो सारी चीज़ें जब हमने डिस्कस की ना, तो वहाँ पर हमने पाया कि जो सेंटेंस होता है दैट इज़ अ व्हीकल दैट कन्वेज आर मीनिंग, कि सेंटेंस वो व्हीकल होता है जो हमारे मीनिंग को कन्वे करता है। तो आज की जो हमारी क्लास है, अगर तुम लोगों को दिख पा रहा हो ये, आज की जो हमारी क्लास है, मैं देखता हूँ एक मिनट, नहीं दिख रहा। आज की जो हमारी क्लास है, वो है द सेंटेंस एंड इट्स टाइप को लेकर। टाइप्स क्या पार्ट्स कहते हैं, टाइप्स तो हम ऐसे डिस्कस कर लेंगे। तो जो सबसे पहली क्लास थी वो तो खैर इंट्रोडक्शन ही था सिलेबस का, उसमें तो हमने अपने सिलेबस को इंट्रोड्यूस ही किया था, लेकिन आज इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, उस सिलेबस की मतलब फॉर्मल शुरुआत कर देंगे, आगे बढ़ाएंगे इंट्रोडक्शन से आगे। तो हमने पिछली क्लास में ये सीखा कि जो भाषा होती है वो एक अभिव्यक्ति का माध्यम होती है, जिसके थ्रू हम अपने दिमाग में आए हुए आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग, इमोशंस को दूसरों के साथ में शेयर करते हैं। तो उसको शेयर करने के लिए हमें एक मीन्स चाहिए होता है, मीन्स का मतलब एक माध्यम चाहिए होता है जिसके थ्रू हम अपने मीनिंग को दूसरे तक पहुंचाते हैं या दूसरों को रिसीव करते हैं। वो जो मीनिंग होता है, वो जो मीन्स होता है, जो उस मीनिंग को कन्वे कर रहा होता है, जो व्हीकल होता है, वो होता है सेंटेंस, ठीक है। तो सेंटेंस जो है ना, उससे हम शुरुआत करते हैं अपनी लैंग्वेज लर्निंग की। देखिए, सेंटेंस हमने पिछली क्लास में फिलहाल में डिस्कस कर लिया था कि सेंटेंस जो होता है वो एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका अपने कंप्लीट सेंस हो और एक कंप्लीट मीनिंग हो। जब हम बात सेंटेंस की करते हैं तो वहां पे कुछ और भी टर्म्स होती हैं, ठीक है। पहले हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे हमने लिखा ही सैंग, ठीक है। अब देखिए, ये हमने एक सेंटेंस लिखा ही सैंग। जब भी सेंटेंस कंप्लीट होता है तो हम उसके एंड में फुल स्टॉप यूज करते हैं, अगर हमारा सेंटेंस असर्टिव हो या इंपेरेटिव हो। अगर वो क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं, अगर एक्सक्लेमेटरी हो तो एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं। तो फिलहाल में हमने फुल स्टॉप यूज किया, इसका मतलब ये सेंटेंस हो गया। अब हम इसको सेंटेंस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये एक मतलब मीनिंग कन्वे कर रहा है, कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा है। किसी ने बात बताई है, किसी ने कोई काम परफॉर्म किया है, तो हम उसके बारे में बता रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, तो ये सेंटेंस हो गया ही सैंग। अब अगर हम देखेंगे सेंटेंस को लेकर हमें सीखना क्या है, तो सेंटेंस को लेकर हमें इसके पार्ट सीखने कि सेंटेंस किन एलिमेंट से बना होता है, ठीक है। कुछ राम राम सर, आई एम फ्रॉम मणिपुर, ठीक है। एक पांडे जी सॉरी कह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों सॉरी कह रहे हो। देखिए, अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, सुनाई पड़ रहा है, तो अपने चुपचाप पढ़ते रहो, मैं कमेंट्स भी आपके पढ़ नहीं पाऊंगा क्योंकि अभी मैं अपने मूड में हूँ, ठीक है। तो अभी मैं अपनी तरफ से पढ़ाता रहूंगा, बाद में ये सारी चीज़ें सुनूंगा, लास्ट के 10-5 मिनट आप लोगों को दूंगा और फिर उसके बाद में मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। तो अभी मैं भी चाहूंगा कि आप लोग अपने कमेंट्स बंद करके चुपचाप मेरी बातों को सुने, जो मैं कह रहा हूँ उसको सुने और समझें। दोस्त ने ले लिया था भाई, क्षमा करिएगा सर, क्या कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये बंद करो, ये कमेंटमेंट में नहीं अभी पढ़ रहा आप लोगों के, अभी आप बंद करो। जब मैं लास्ट के 10 मिनट दूंगा और कुछ सुनो मतलब कुछ कहूंगा बताने के लिए, तो फिर बताना, ठीक है। अभी सुनो मेरी बात चुपचाप, ऐसे कैप टॉप पे नहीं चल रहा। देखो, मैं सारी बातें करूंगा, लेकिन वो सारी बातें मैं करूंगा लास्ट के 10 मिनट। अभी मैं जब तक 40-50 मिनट पढ़ा रहा हूं, चुपचाप मेरी बातें सुनो, ठीक है। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, अब बस आ जाओ, फोकस करो। तो हमने कहा कि जो सेंटेंस है ना, हम यहां से शुरुआत करते हैं अपने बेसिक फंडामेंटल्स की, जो हमारे बेसिक्स ऑफ इंग्लिश है, इसकी शुरुआत करते हैं सेंटेंस है। तो हमने पढ़ा कि सेंटेंस एक ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि हमारे मीनिंग को, कंप्लीट मीनिंग को कन्वे करता है। तो अब जैसे हमने ये लिख दिया ही सैंग, ये एक सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब इसको लेकर हम सीखें क्या, भाई हमें भाषा सीखनी है तो सेंटेंस हमने लिख दिया ही सैंग, अब हम क्या सीखें इसके बारे में। इसके बारे में देखिए, हमें क्या सीखना है, हमें सीखना है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता क्या है। जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हम यूज करते हैं अपनी बात को कहने के लिए, किसी को बताने के लिए, समझाने के लिए, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो सीखना है। और हमें सीखना है कि जब हम कोई सेंटेंस फ्रेम करते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स की हमें जरूरत पड़ती है, मतलब उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है, कौन कौन से वर्ड्स उसमें यूज होते हैं और उनके रोल क्या होते हैं। मतलब देयर इज अ लॉट टू लर्न, मतलब ये शुरुआत है, यहां से चलेंगे तो बहुत दूर तक जाएंगे, ठीक है।
तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल फंडामेंटल से कि जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं बोलते हैं ना तो उसके दो बेसिक एलिमेंट होते हैं। वो दो एलिमेंट जो होते हैं उनको हम सब्जेक्ट या प्रेडिकेट के नाम से जानते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ठीक है। तो सेंटेंस जो होता है जिसके थ्रू हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं, ठीक है, उसके दो बेसिक एलिमेंट होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, ठीक है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट मुझे लगता है फिर आप में से ज्यादातर बच्चे फिर भी जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए कोई नया है इस चैनल पे जो अभी से आना शुरू हुआ, एक दो क्लास से पहले नहीं था, तो उसको मैं बता देता हूं। अक्सर होता क्या है कि बच्चे सब्जेक्ट को लेकर ये याद कर लेते हैं कि सब्जेक्ट वो होता है जो काम करे, जो डूअर हो। हालांकि ये बात आधी सच है पूरी सच नहीं है। सब्जेक्ट के बारे में आपको ध्यान रखना है व्हाट वी टॉक अबाउट। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके बारे में भी हम बात करते हैं ना वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। मतलब जिसके बारे में आप बता रहे हो, बोल रहे हो, कुछ भी कह रहे हो, तो वही आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। फिर आ गया प्रेडिकेट, क्या होता है प्रेडिकेट जो होता है, व्हाट इज टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट। ठीक है, तो सेंटेंस जब भी हम कभी बनाते हैं ना तो सेंटेंस के हमेशा दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, प्रेडिकेट वो होता है जो हम उसके बारे में बता रहे होते हैं, ठीक है। अब होता है क्या है कि जनरली सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो कोई नाउन या प्रोनाउन होता है, ठीक है, और प्रेडिकेट वो बात होती है जो हम उसके बारे में बता रहे होते हैं। वो सिंगल वर्ड भी होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है, ठीक है। इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे लेकिन उससे पहले एक चीज और समझ लेना। जैसे हमने ही सैंग लिखा तो इसमें एक सिंगल वर्ड सब्जेक्ट है और एक सिंगल वर्ड प्रेडिकेट है, ठीक है। अब ये जो प्रेडिकेट होता है ना, इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है वो वर्ब होती है। मतलब वी कैन नॉट फॉर्म अ प्रेडिकेट विदाउट अ वर्ब, बिना वर्ब के प्रेडिकेट नहीं बन सकता है। कोई भी आप वर्ब, मतलब कोई भी प्रेडिकेट फॉर्म करोगे तो उसमें आपको एक वर्ब मस्ट यूज करनी है। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि जो मेन वर्ब होती है वो प्रेडिकेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। कोई भी प्रेडिकेट बिना मेन वर्ब के नहीं हो सकता। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस में दो बेसिक एलिमेंट हमें जो चाहिए होते हैं वो होते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ठीक है। एक सिंगल वर्ड सब्जेक्ट हो सकता है, एक सिंगल वर्ड प्रेडिकेट हो सकता है। अच्छा, मल्टीपल भी हो सकते हैं। मल्टीपल का मतलब जैसे देखना, हमने लिखा ही एंड आई सैंग, ठीक है। अब यहां पर क्या है, प्रेडिकेट अभी भी वही है सैंग, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट दो वर्ड हो गए, एक ही हो गया और एक आई हो गया। अच्छा, दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमने कंजंक्शन एंड लिख दिया, ठीक है, कंजंक्शन कनेक्ट करने का काम करते हैं। अब एक सब्जेक्ट ही हो गया, एक सब्जेक्ट आई हो गया। अब ये ही एंड आई है ना, अब हम इसे कहेंगे कंपाउंड सब्जेक्ट। ठीक है, ये कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया। ये लोग बच्चे ना कुछ सुन नहीं रहे अभी बात। देखो, ये मैं ना YouTube पे इसीलिए मुझे फिर पसंद नहीं आती चीजें। यहाँ पे बच्चा ना उद्यमी होता है, बात मानता नहीं है। मैं कह रहा हूँ मेरी बातें थोड़ी देर सुन लो, मैं बात में बात करूंगा, सबसे बात करूंगा और बात सुनो, सबकी सुनूंगा, जो भी तुम कहोगे सुनूंगा भी, पूछूंगा भी, बताऊंगा भी। लेकिन अभी जब पढ़ा रहा हूं तो फोकस यहां पे करो, ठीक है, अभी कमेंट करना बंद करो। तो यहां पे एक सिंगल सब्जेक्ट हो गया ही और एक हो गया आई, दोनों को एंड जोड़ दिया। अब ये दोनों ही इस प्रेडिकेट के सब्जेक्ट है। अब है प्रेडिकेट एक है, सब्जेक्ट उसके दो है, एक ही है और एक आई है, तो ये हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट बन गया। तो हम इसे कहेंगे ही एंड आई जो है ये हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया सेंटेंस के अकॉर्डिंग। अदरवाइज तो ये दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, ही अलग सब्जेक्ट है, आई अलग सब्जेक्ट है, लेकिन दोनों चूंकि एक ही कंपाउंड प्रेडिकेट के लिए यूज हो रहे हैं, उनका प्रेडिकेट कॉमन है, तो हम इन्हें कहेंगे कंपाउंड सब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, फिर अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लो ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस है ना, और हम इसको ऐसे लिख दें ही सैंग एंड डांस्ड, ठीक है। तो एक बार भी हो गई, एक बार भी हो गई, ये मिलके हमारा एक प्रेडिकेट बन गया। अब चाहे आप इसको सिंगल प्रेडिकेट को, नहीं तो इसको भी कह दो कंपाउंड प्रेडिकेट, क्योंकि जो प्रेडिकेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड होता है ना वो होता है वर्ब। तो अगर हम ऐसे लिख रहे हैं ही सैंग एंड डांस्ड, तो होता क्या है कि जब भी किसी सेंटेंस में हम दो मेन वर्ब यूज करते हैं, ठीक है, तो उस सेंटेंस को हमेशा दो सिंपल सेंटेंस में स्प्लिट किया जा सकता है। कहने का मतलब यह कि अगर हमने ये सेंटेंस लिखा ना ही सैंग एंड डांस्ड, तो हम इसको इस तरीके से दो तरीके से लिख सकते हैं। हम एक लिख सकते हैं ही सैंग, ठीक है, एंड ही डांस्ड। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ही सैंग और ही डांस्ड, या छोड़ो ऐसे लिखने के बजाय हम इसको ऐसे समझ लेते हैं, हमने एक सेंटेंस लिखा ही सैंग और एक सेंटेंस लिखा ही डांस्ड। अब हम देख रहे हैं दोनों सब्जेक्ट का, दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो ही है,
ठीक है, और प्रेडिकेट यहां पे सैंग है और यहां पे डांस्ड है। अब जब इन दोनों सेंटेंस को मिलाकर हम एक बनाएंगे तो ही चूंकि इस प्रेडिकेट का भी सब्जेक्ट है, इस प्रेडिकेट का भी सब्जेक्ट है, तो हम उसको एक ही बार लिख देंगे और इन दोनों प्रेडिकेट को जोड़ के एक प्रेडिकेट बना देंगे, सैंग एंड डांस्ड। तो ये हमारा कंपाउंड प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। तो ही एंड आई कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया, सैंग एंड डांस्ड कंपाउंड प्रेडिकेट हो गया, सेंटेंस कुल मिला के एक ही है। तो फिर से हम समझ लेते हैं कि जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते बोलते हैं तो उस सेंटेंस के बेसिक दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वो होता है जो हम उसके बारे में बता रहे होते हैं, और प्रेडिकेट वो होता है जो हम मतलब सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है। अब प्रेडिकेट वो होता है जो हम उसके बारे में बता रहे होते हैं। प्रेडिकेट का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है वर्ब, मतलब बिना वर्ब के प्रेडिकेट बन नहीं सकते, और केवल सिंगल वर्ड एक अगर वर्ब है तो वो भी प्रेडिकेट बन जाएगा, ठीक है। जैसे एक केवल वर्ब है ना, ये सैंग, तो ये प्रेडिकेट हो गया, ये केवल एक वर्ब है डांस, ये प्रेडिकेट हो गया, ठीक। तो जनरली किसी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। अगर हम दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट को एक साथ लिख देंगे तो फिर उस पूरी फ्रेज को हम कंपाउंड सब्जेक्ट कह देंगे, दो या दो से ज्यादा प्रेडिकेट को एक साथ लिख देंगे तो उसे हम कंपाउंड प्रेडिकेट कह देंगे, ठीक है। यहां तक आए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मान लो हम कंपाउंड प्रेडिकेट ना लिखें, मैं आप लोगों को सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझा रहा हूं कि सेंटेंस के क्या क्या स्ट्रक्चर हो सकते हैं। अब जैसे हमने यहां पे देखा ना, ही सैंग एक सिंगल हमारा सब्जेक्ट है और एक सिंगल उसका प्रेडिकेट है, लेकिन कई बार हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ही सैंग हिज, ही सैंग अ सॉन्ग, ठीक है। अब ये जो सैंग अ सॉन्ग है ना, ये पूरा प्रेडिकेट हो गया, ये पूरा प्रेडिकेट हो गया। अब इस प्रेडिकेट में वर्ब हो गई सैंग, एक्शन वर्ड जो भी होता है वो वर्ब होती है, ठीक है। और ये जो सॉन्ग है ना, ये इसका ऑब्जेक्ट कहा जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के अब हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के अलावा जरा ऑब्जेक्ट को भी इंट्रोड्यूस कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। सब्जेक्ट वो हो गया जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, प्रेडिकेट वो हो गया जो हम उसके बारे में बता रहे हैं। प्रेडिकेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड जो होता है वो होता है वर्ब, बिना वर्ब के प्रेडिकेट बन नहीं सकते। लेकिन कई बार क्या होता है, हम वर्ब के साथ में कुछ और वर्ड्स का भी यूज करने लग जाते हैं, तो वो सारे प्रेडिकेट का ही पार्ट होते हैं, लेकिन फिर हम उनके लिए अलग अलग टर्म्स यूज करते हैं। अब सैंग को वर्ब कह रहे हो, सॉन्ग को तो वर्ब नहीं कह दोगे, तो सॉन्ग को हम क्या कहेंगे, सॉन्ग को हम कहेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। होता क्या है, वैसे तो जनरली जब हमें सेंटेंस में आइडेंटिफाई करना होता है ऑब्जेक्ट को, तो हम ऐसे कर लेते हैं कि कोई भी वर्ड जो व्हाट या हुम का रिप्लाई होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। जैसे हमने लिखा ही सैंग व्हाट, व्हाट डिड ही सिंग, क्या गाया, तो व्हाट का रिप्लाई सॉन्ग आ गया, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। दूसरे तरीके से हम ऐसे कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज समवन और समथिंग दैट रिसीव्स द इफेक्ट ऑफ द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म करता है तो उसका जो इफेक्ट रिसीव करता है वो एक्चुअल में हमारा ऑब्जेक्ट होता है। सिंपल शब्दों में अपना ऐसे याद रखे कि व्हाट या हुम का रिप्लाई जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो अ सॉन्ग जो है ना, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और सैंग अ सॉन्ग ये पूरा भी यहां से लेकर यहां तक प्रेडिकेट हो गया। अब हम इसे कंपाउंड प्रेडिकेट नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें मेन वर्ब एक ही है, ठीक है। तो एक सिंगल प्रेडिकेट है, ठीक। फिर हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हमने लिखा ही सैंग हिज फेवरेट सॉन्ग। अब देखो यहां पे जो ऑब्जेक्ट है ना, वो है एक सिंगल वर्ड सॉन्ग, हालांकि उसके साथ हमने डिटरमिनर आर्टिकल लिख रखा है, लेकिन वो सिंगल वर्ड ही है सॉन्ग, ठीक है। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं हिज फेवरेट सॉन्ग, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहां पर जो है वो सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, यहां पर जो है वो हिज फेवरेट सॉन्ग ऑब्जेक्ट है। तो ये जो सॉन्ग है इसको तो हम कहेंगे वर्ड, क्योंकि वर्ड होता है ग्रुप ऑफ लेटर्स। लेकिन ये जो हिज फेवरेट सॉन्ग है, ये ग्रुप ऑफ लेटर्स तो नहीं है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। एक वर्ड हिज हो गया, एक वर्ड फेवरेट हो गया, एक वर्ड सॉन्ग हो गया, तो हम इसे कहेंगे फ्रेज, ठीक है। तो एक टर्म यहां पे हमारे लिए और इंट्रोड्यूस हो गई। अभी देखो हमने तीन देर में क्या सीखा, सब्जेक्ट सीखा, प्रेडिकेट सीखा, ऑब्जेक्ट सीखा, कंपाउंड सब्जेक्ट सीखा, कंपाउंड प्रेडिकेट सीखा, ठीक है। अब हमने सीखा यहां पे फ्रेज। फ्रेज जो टर्म है ना, इसको भी क्लियर कर लेते हैं। फ्रेज हम कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जिसमें मेन वर्ब ना हो। फिर से समझ लो, फ्रेज हम कहते हैं ग्रामर में, ग्रामर की बात करें अगर तो, ठीक है। वैसे तो फ्रेज का मतलब किसी चीज को बनाना होता है, ठीक है। फ्रेज का मतलब होता है ग्रामर में किसी ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें मेन वर्ब ना हो, ठीक है। वैसे तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है सिंपली। अब जो हिज फेवरेट सॉन्ग हमने लिखा ना, ये तीन वर्ड मिलकर ऑब्जेक्ट है, तो हम इस वर्ड ग्रुप को, इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम कहेंगे फ्रेज।
अच्छा, इस फ्रेज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है नाउन है, तो हम इसे कहेंगे नाउन फ्रेज। फिर से समझ लो, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, जिसका अपना मीनिंग तो है, सम मीनिंग है, कंप्लीट मीनिंग नहीं है, क्योंकि हम उसको इंडिपेंडेंटली यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें मेन वर्ड नहीं होती। ठीक है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कोई मीनिंग कन्वे करता हो और मीनिंग वो कंप्लीट ना हो, क्योंकि उसमें मेन वर्ड ना हो, तो हम उसे कहते हैं फ्रेज। अब उस फ्रेज का जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होता है वही उस फ्रेज का टाइप होता है। जैसे हिज फेवरेट सॉन्ग जो है, इस ग्रुप ऑफ वर्ड को हम फ्रेज कहेंगे। इस ग्रुप ऑफ वर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो है वो नाउन है, सॉन्ग, तो हम इसे कहेंगे नाउन फ्रेज है। ठीक है, कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड अगर सेंटेंस है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, तो वो नाउन फ्रेज ही होती है। तो हमने यहां पे फ्रेज को भी सीखा। अब एक सेंटेंस और देखते हैं। हमने लिखा दे आर वेरी हैप्पी। अब देखो ये हैप्पी वर्ड जो है ना, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, और ये जो वेरी हैप्पी है ये ग्रुप ऑफ वर्ड है पूरा। ये जो वेरी है वो इसी हैप्पी को डिस्क्राइब कर रहा है, तो हम इसे कहेंगे फ्रेज एडजेक्टिव। ये हो गई हमारी एडजेक्टिव फ्रेज। फिर से समझ लो, इस ग्रुप ऑफ वर्ड में मेन वर्ड जो है वो सॉन्ग है, जो कि एक नाउन है, तो हम इसे कहेंगे नाउन फ्रेज। इस ग्रुप ऑफ वर्ड में जो मेन वर्ड है वो एडजेक्टिव है, तो हम इसे कहेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। मतलब जो मेन वर्ड होता है उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का, वही उस फ्रेज का टाइप भी होता है। तो फ्रेज हम कहते हैं ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जिनका अपना एक कंप्लीट मीनिंग हो। तो कई बार क्या होता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई सिंगल वर्ड होता है, ऑब्जेक्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है, जिसे हम फ्रेज कहेंगे। ठीक है, वर्ब भी ग्रुप ऑफ वर्ड में हो सकती है, ठीक है, जिसे हम वर्ब फ्रेज कह सकते हैं। ऐसे समझना, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस 7 AM। तो देखो ये हैज बीन प्लेइंग है ना, ये पूरी वर्ब फ्रेज है। जो वर्ब फ्रेज होती है उसमें तो नाम से ही, एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, जैसा कि नाम से पता चल जाता है, उसमें तो खैर मेन वर्ब होगी होगी, लेकिन बाकी जो फ्रेजेस होते हैं उनमें मेन वर्ब नहीं होती। ठीक है, तो ये जो हमने लिखा ना, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस 7 AM, तो ये जो तीनों वर्ड है ना, इसमें ये ही सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, एक वर्ड मैं यहां पे और लिख देता हूं, क्रिकेट। ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 7 AM। सब्जेक्ट हो गया ही, क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ड का रिप्लाई है तो ये ऑब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, बाकी ये बचे तीनों वर्ड क्या है, ये है वर्ब। तो ये तीनों वर्ड मिलकर हमारी वर्ब फ्रेज बन गए। तो फिर से समझ लें, जब हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स को यूज करते हैं जिनका अपना एक कोई मीनिंग हो, वो भले कंप्लीट मीनिंग ना हो, तो हम उन्हें फ्रेज कहते हैं। अगर उस ग्रुप ऑफ वर्ड का मेन वर्ड नाउन है तो वो नाउन फ्रेज है, अगर उस ग्रुप ऑफ वर्ड का मेन वर्ड एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव फ्रेज है, अगर उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मेन वर्ड वर्ब है तो वर्ब फ्रेज है। तो ये जो हमने लिखा ना हैज बीन प्लेइंग, ये हमारी वर्ब फ्रेज है। तीन वर्ड मिलकर वर्ब का काम कर रहे हैं तो इसे वर्ब फ्रेज कह देंगे। ठीक है, तो हमने ये सब्जेक्ट सीखा, ये सीखा, सब सीखा। फ्रेज को लेकर थोड़ी सी चीज और क्लियरिटी ले आते हैं। हमने एक सेंटेंस लिखा, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट इन द सन सिंस 7 AM। अब हमने ये लिख दिया, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट इन द सन सिंस 7 AM। होता क्या है, ये इन प्रिपोजिशन है, इस प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। जो बच्चे पहले से जानते हो ठीक है, जो नहीं जानते हो वो आगे हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी हम कोई प्रिपोजिशन यूज करते हैं तो उसके बाद हमें हमेशा उसका ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है। जैसे वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है, अगर वर्ब ट्रांसिटिव हो तो। ये ट्रांसिटिव ट्रांसिटिव टर्म्स भी हम आने वाली क्लासेस में धीरे धीरे क्लियर करेंगे। आज की जो क्लास है हमारा, इसका फोकस है कि हम सेंटेंस, उसमें यूज होने वाली टर्म्स जो उसके पार्ट्स होते हैं वो, और उन पार्ट्स के टाइप्स, ये सीखना है। मतलब आज की क्लास में हमें सीखना है सब सेंटेंस, सेंटेंस के पार्ट्स, उन पार्ट्स के टाइप्स, और फिर टाइम बचा तो सेंटेंस के टाइप्स भी। ठीक है, तो जब भी हम कोई प्रिपोजिशन यूज करते हैं ना, तो उसके बाद हमेशा हमें किसी नाउन या प्रोनाउन को लिखना पड़ता है। वो नाउन या प्रोनाउन जो हम प्रिपोजिशन का लिखते हैं उसका ऑब्जेक्ट कहा जाता है। होता क्या है कि प्रिपोजिशन का जो बेसिक फंक्शन होता है वो यही होता है। प्रिपोजिशन का काम होता है किसी नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के दूसरे वर्ड से रिलेट करना। तो जब भी कोई प्रिपोजिशन यूज करोगे तो उसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बना के लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ये इन प्रिपोजिशन हो गई, द सन जो नाउन है उस प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, और ये भी फ्रेज बन गई। भाई हमने कहा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम फ्रेज कहते हैं। तो ऐसे फ्रेजेस जो प्रीपोजिशन प्लस देयर ऑब्जेक्ट बनती हैं, मतलब हमने कोई प्रीपोजिशन है उसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट लिखा, फिर वो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रेज बना, जैसे इन द सन एक फ्रेज बन गया,
तो हम इन्हें कहते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, ठीक है। अच्छा, अब हमें ध्यान ये रखना है कि जो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस होती हैं, ठीक है, ये एडजेक्टिव एडवर्ब होती हैं, ठीक है। फिर से समझ लो, जब भी हम कोई प्रीपोजिशन लिखेंगे तो उस प्रीपोजिशन के बाद में किसी नाउन या प्रोनाउन को उसका ऑब्जेक्ट बना के लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तैयार होगा वो एक फ्रेज होगा, क्योंकि उस फ्रेज को हम प्रीपोजिशन की मदद से फॉर्म कर रहे हैं, तो हम उसे कहेंगे प्रीपोजिशनल फ्रेज। और प्रीपोजिशनल फ्रेजेस जो होते हैं वो एडजेक्टिव एडवर्ब के तरीके से एक्ट करते हैं सेंटेंस में, ठीक है। जैसे हमने लिखा ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट इन द सन, तो इन हो गए प्रीपोजिशन, द सन हो गया इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अगर हम ध्यान से देखें तो वेयर का रिप्लाई है, तो वेयर का रिप्लाई होने की वजह से हम इसे कहेंगे एडवर्ब फ्रेज, ठीक है। ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, वेयर, वेयर हैज ही बीन प्लेइंग, तो इन दिस सन आ गया वेयर का रिप्लाई, तो जो वेयर का रिप्लाई होते हैं वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस की फ्रेज हो गई, प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो एडवर्ब का काम कर रही है, ठीक है। फिर हमने एक तीसरा सेंटेंस लिखा, नोबडी हेल्प द मैन इन द कार। अब देखो ये इन प्रिपरेशन हो गई, द कार प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब ये प्रिपरेशनल फ्रेज हो गई, अब ये प्रीपोजिशनल फ्रेज या तो एडजेक्टिव होगी या एडवर्ब होगी। तो अब हमें ये पहचानना कि सेंटेंस में क्या होगी। अगर कोई बच्चा ये मान ले, पहले से याद कर ले कि इन लिखा है तो एडवर्ब भी होगी, तो मैं ये समझाना चाहता हूँ ऐसा है नहीं। वो डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंस के स्ट्रक्चर, वो वेरी करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने इन द सन हर जगह लिखेंगे तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज एडवर्ब भी होगी, हो सकता है कहीं पे एडजेक्टिव भी हो, वो डिपेंड करता है सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट पे। जैसे कि अगर ये इन द फ्रेज जो है वो इस हेल्प वर्ब को डिस्क्राइब करें तब तो हम इसे एडवर्ब कह दें, लेकिन अगर इस मैन को रेफर करें तो हम इसे एडजेक्टिव कहेंगे, क्योंकि हेल्प है वर्ब, मैन है नाउन। अगर ये वर्ड इस हेल्प को डिस्क्राइब कर रहा है तो इसको वर्ब कहना पड़ेगा, अगर इन द हेल्प इस मैन को डिस्क्राइब कर रहा है तो नाउन कहना पड़ेगा। और हमें पता अगर हम इसे हेल्प कह देंगे ना तो ये थोड़ा लॉजिकल नहीं लगेगा, नो बडी हेल्प द मैन इन द कार, वेयर डिड ही नॉट हेल्प इन द कार, तो हमें लगेगा ये अटपटा सा है कि कार के अंदर किसी ने उसको हेल्प नहीं किया जाके, ठीक है। एक्चुअल में ये एक्शन का जगह नहीं है, ये रेफरेंस हमने इन द कार लिखा ना, ये एक्शन का रेफरेंस नहीं है, ये रेफरेंस उस मैन का है, विच मैन, नोबडी हेल्प द मैन, विच मैन इन द कार। तो इन द कार जो रेफरेंस है ये मैन का रेफरेंस है, तो अगर मैन नाउन को रेफर कर रहा है तो हम इसे कहेंगे एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। फिलहाल में आप ऐसे भी चाहो तो ध्यान रख सकते हो, कि इंग्लिश में वो वर्ड्स या फ्रेजेस जो when, where, why, how, etc. को रिप्लाई करते हैं एडवर्ब होते हैं, और जो वर्ड्स या फ्रेजेस which या what kind of को रिप्लाई करते हैं वो एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। तो ये हम ध्यान से देखेंगे ना तो where का नहीं which का रिप्लाई है, nobody helped the man, which man, nobody, Which man did nobody help? किस आदमी की मदद नहीं की, तो which man का reply आएगा in the car, तो ये हमारी हो गई adjective phrase, ऐसे समझना। The man in the car felt very helpless. ये मैं इसलिए समझाना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे ना कुछ बच्चे डिडक्शन ऐसा निकाल लेते हैं कि इन लिखा होगा, ऑन लिखा होगा तो एडवर्ब फ्रेज ही होगी, ऐसा हमेशा नहीं होता, ठीक है। इस एग्जांपल से समझना, जैसे हमने लिखा था मैन इन द कार फेल्ट वेरी हेल्पलेस, ठीक है। अब ये फेल्ट वेरी हेल्पलेस हमारा प्रेडिकेट हो गया, ठीक है, फेल्ट वर्ब हो गई वेरी हेल्पलेस, उसके बाद में जो हमने लिखा वो कॉम्प्लीमेंट है, धीरे आने वाली क्लासेस में धीरे धीरे समझाएंगे, तो वो प्रेडिकेट हो गया, जो हम किसी के बारे में कह रहे हैं, जो भी हम कहते हैं किसी के बारे में वो प्रेडिकेट होता है। अब ये मैन हो गया सब्जेक्ट, अब हम इस इंदिकार को कहां पे सेट करें, ठीक है। अब ये इंदिकार फेल्ट का तो डिस्क्रिप्शन होगा नहीं, क्योंकि अगर फेल्ट का डिस्क्रिप्शन होता तो बाद में लिखा जाता, वर्ब के बाद आता। अगर तुम लोगों को पता हो व्हेन, वेयर और हाउ के रिप्लाई जो होते हैं एडवर्ब, मैनर, प्लेस, टाइम, वो वर्ब के बाद लिखे जाते हैं। तो अगर हम इंदिकार यहां पर लिख रहे हैं ना, तो यह डिस्क्रिप्शन मैन का है, द मैन फेल्ट वेरी हेल्पलेस, विच मैन डिड फील वेरी हेल्पलेस, कौन से आदमी ने फील किया, तो इंदिकार रिप्लाई आ गया, तो इंदिकार जो है ना एडजेक्टिव है, तो हम इसे कहेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। तो हमें यहाँ पे ध्यान देना है, वैसे तो कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड जो होता है जिसका अपना एक मीनिंग हो, मतलब कुछ मीनिंग हो, कंप्लीट नहीं होता वो मीनिंग कभी भी, वो कुछ होता है, ठीक है, तो हम उसको फ्रेज कहते हैं।
उस ग्रुप ऑफ वर्ड में जो मेन वर्ड होता है नाउन होता है तो वो नाउन फ्रेज होती है, एडजेक्टिव होता है तो एडजेक्टिव फ्रेज होती है, वर्ब होता है तो वर्ब फ्रेज होती है, ठीक है। लेकिन कुछ फ्रेजेस हम बनाते हैं प्रीपोजिशन की मदद से, जब हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं तो उसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन उसका ऑब्जेक्ट बना के लिखना पड़ता है तो फिर वो भी एक फ्रेज बन जाती है, ठीक है। तो वो जो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस होती हैं उन फ्रेजेस को, मतलब उन फ्रेजेस का यूज सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव एज एन एडवर्ब होता है। अच्छा, वो कब एडजेक्टिव होते हैं कब एडवर्ब होते हैं वो आप सेंटेंस देखकर ही पहचान जाओगे, नहीं तो धीरे धीरे हम इसी टॉपिक को जैसे जैसे आगे बढ़ाते रहेंगे आने वाली क्लासेस में धीरे धीरे क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि वो या तो एडजेक्टिव एडवर्ब होती है। तो हमने यहाँ पे फ्रेज भी क्लियर कर लिया कि फ्रेज क्या होता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब जैसे हमने एक छोटे अभी थोड़ी देर पहले एक सेंटेंस लिखा था, ही सैंग हिज फेवरेट सॉन्ग, तो यहां पे हिज फेवरेट सॉन्ग ये जो फ्रेज है ना ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और हम इसे फ्रेज कहेंगे क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसका अपना एक मीनिंग तो है लेकिन वो मीनिंग कंप्लीट नहीं है तो हमें फ्रेज कहेंगे, ठीक है। अब मान लो मैं इसको चेंज करके ऐसे लिख दूं, He sang this song which was his favorite one, ऐसे लिख दें। अब देखो ये जो हमने लिखा ना he sang, ठीक है, he तो सब्जेक्ट हो गया, sang the song which was his favorite one predicate हो गया, ठीक है। अभी पूरा प्रेडिकेट है, ठीक, इस प्रेडिकेट में जो सैंग है ये वर्ब हो गई, एक्शन एक्टिविटी। अच्छा, अगर ये वर्ब हो गई तो ही सैंग व्हाट, व्हाट डिड ही सिंग, तो व्हाट का रिप्लाई गया द सॉन्ग व्हिच वाज हिज फेवरेट वन, वो गाना जो उसका फेवरेट था, और ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर यह ग्रुप ऑफ वर्ड्स था ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहां पर भी यह ग्रुप ऑफ वर्ड ऑब्जेक्ट है लेकिन यहां तो कहानी कुछ और बन गई। इस ग्रुप ऑफ वर्ड में कोई मेन वर्ब तो है नहीं लेकिन यहां पर एक मेन वर्ब भी है, वॉज, ये वॉज जो है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है, ठीक है, ध्यान रखना। अब हम देख रहे हैं इतना बड़ा ऑब्जेक्ट, इसे अब हम क्या कहेंगे, फ्रेज कह सकते हैं क्या? अब हम इसे फ्रेज नहीं कह पाएंगे। अब इसमें पता क्या, ये जो सॉन्ग है ये तो एक नाउन हो गया, लेकिन इस नाउन के लिए जो हम ये डिस्क्रिप्शन यूज कर रहे हैं ना विच सॉन्ग, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया जो वर्ड्स व्हाट काइंड ऑफ या विच को रिप्लाई करते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। अगर कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच को या व्हाट काइंड ऑफ को रिप्लाई करे तो वो भी एडजेक्टिव होता है, ठीक है। अब हम यहां पे देख रहे हैं जो विच का रिप्लाई है ना वो एक बड़ा ही ग्रुप ऑफ वर्ड है और जिसमें एक मेन वर्ब भी है, तो अगर हम कोई ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड यूज करें सेंटेंस में जिसमें मेन वर्ब भी हो, ठीक है, तो हम इसे कहेंगे क्लॉज। तो ये जो विच वॉज हिज फेवरेट सॉन्ग है ना ये क्लॉज है, ये क्लॉज जो है वो सॉन्ग को डिस्क्राइब कर रही है, तो हम इसे कहेंगे एडजेक्टिव क्लॉज, की एडजेक्टिव क्लॉज। तो अब हम एक टर्म और आगे बढ़ाए हैं, अब हम आगे क्लॉज पे कि क्लॉज क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पे ध्यान देना, क्लॉज हम कहते हैं सेंटेंस के किसी भी ऐसे पार्ट को जिसका अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट हो, ठीक है, फिर से समझ लेते हैं। क्लॉज हम कहते हैं सेंटेंस के किसी भी ऐसे पार्ट को जिसका अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट हो, जैसे कि ये जो विच हमने लिखा ना ये प्रोनाउन होता है, जो बच्चे जानते हैं ठीक है, जो नहीं जानते वो आगे ध्यान रखेंगे। ये जो विच है ना ये एक्चुअल में एक सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट तो हो नहीं सकता, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। Was his favorite one जो है ना ये इसका predicate है। देखो subject is what we talk about, ठीक है, and predicate is what is told about, ठीक है, जो subject के बारे में कहते हैं वो predicate होता है। तो which subject है, was his favorite one, उसका predicate है, तो इसको हम clause कहेंगे, इसको phrase नहीं कहेंगे। तो clause और phrase में आप basically देखोगे तो total difference बस इतना ही होता है कि जो phrase होती है उसमें कोई मेन वर्ब नहीं होती, क्योंकि मेन वर्ब नहीं होती तो सब्जेक्ट भी नहीं होता, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो मेन वर्ब के लिए होते हैं, अगर मेन वर्ब है ही नहीं तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी नहीं होंगे। लेकिन जो क्लॉज होती है ना उसमें मेन वर्ब होती है, ठीक है, और मेन वर्ब के साथ में सब्जेक्ट भी होता है, क्योंकि अगर सब्जेक्ट नहीं हुआ तो फिर हम उसे कंपाउंड प्रेडिकेट मान लेंगे। अभी पढ़ा था ना ही सैंग एंड डांस्ड, तो सैंग भी वर्ब है डांस भी वर्ब है लेकिन वो क्लॉज नहीं है, वो एक प्रेडिकेट है, कंपाउंड प्रेडिकेट, दो प्रेडिकेट मिलके एक बन गए, ठीक है। लेकिन अगर सब्जेक्ट भी अलग हो और उसका प्रेडिकेट भी अलग हो तो ऐसे पार्ट को हम फ्रेज ना कह के क्लॉज कहेंगे। तो विच सब्जेक्ट हो गया, वॉज इज फेवरेट वन एक उसका प्रेडिकेट हो गया, और ये पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड जो है ये सेंटेंस का पार्ट है, ये खुद तो इंडिपेंडेंट सेंटेंस है नहीं, पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, तो हम इसे क्लॉज कहेंगे।
तो क्लॉज सेंटेंस का कोई भी ऐसा पार्ट हो गया जिसका अपना सब्जेक्ट होता है और अपना प्रेडिकेट होता है, ठीक है। खैर थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब हम यहां पे एक सेंटेंस लिखते हैं, व्हाट इज सैड वॉज नॉट ट्रू, ठीक है। अब हमने कहा व्हाट इज सैड वॉज नॉट ट्रू, ठीक। ये जो वॉज नॉट ट्रू है ना, इसमें वॉज मेन वर्ब है, ठीक है, और नॉट ट्रू उसके बाद में लिखा गया, उसका कॉम्प्लीमेंट है। हालांकि वो लोग आप बाद में जान पाओगे अगर पहले से नहीं जानते हो, लेकिन वॉज नॉट ट्रू प्रेडिकेट है, ये बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि प्रेडिकेट वो होता है जो हम किसी के बारे में बताते हैं। तो वॉज नॉट ट्रू हम किसी चीज के बारे में कह रहे हैं, मतलब ये बात हम किसी के बारे में कह रहे हैं, तो जो भी बात हम कहते बताते हैं वही प्रेडिकेट होता है, ठीक है। ये बात हम इसके बारे में कह रहे हैं तो ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखो व्हाट ही सैड वॉज नॉट ट्रू, तो वॉज नॉट ट्रू हो गया प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का मतलब जो हम किसी के बारे में बता रहे हैं वो प्रेडिकेट होता है, तो किसी के बारे में हम ये कह रहे हैं कि सच नहीं था, तो ये प्रेडिकेट हो गया। किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये बात हम कह रहे हैं व्हाट इज सैड के बारे में। अच्छा व्हाट इज सैड है कोई सिंगल वर्ड नहीं है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, तो या तो हम इसे फ्रेज कहें, ठीक है, या हम इसे क्लॉज कहें। अब अगर इसमें ये मेन वर्ब ना होती और ये सब्जेक्ट ना होता तो हम इसे कहते हैं फ्रेज, अभी हम इसे कहेंगे क्लॉज। फ्रेज का भी एक एग्जांपल देखो मैं लिख देता हूं, हिज लास्ट स्टेटमेंट वॉज नॉट ट्रू। अब देखो ये वॉज नॉट ट्रू प्रेडिकेट हो गया, ठीक है, और हिज लास्ट स्टेटमेंट जो है ना उसका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। फिर से हमने किसी के बारे में कहा कि वॉज नॉट ट्रू, कि वो बात सच नहीं थी, ये बात हमने किसके बारे में कही, हिज लास्ट स्टेटमेंट के बारे में, तो हिज लास्ट स्टेटमेंट सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि जिसके बारे में भी हम कुछ कह रहे होते हैं वही सब्जेक्ट होता है। अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड जो है ना सब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन इस ग्रुप ऑफ वर्ड को हम कहेंगे फ्रेज। फ्रेज इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि मेन वर्ब है सैड और उसके साथ में उसका सब्जेक्ट भी लिखा हुआ है, और ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस भी नहीं है, ये इस पूरे कंप्लीट सेंटेंस का एक पार्ट है। तो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें कोई मेन वर्ब हो और सब्जेक्ट हो और वो सेंटेंस ना होके सेंटेंस का पार्ट हो, तो हम उसे क्लॉज कहते हैं, तो इसे हम कहेंगे क्लॉज, ठीक है, ऐसे चलेगा कहानी। तो अब हुआ क्या, हिज लास्ट स्टेटमेंट जो एक फ्रेज है जो सब्जेक्ट का काम कर रही है, ठीक है, नाउन फ्रेज कहेंगे इसे, क्योंकि इसका मेन वर्ड जो है वो नाउन है, स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा व्हाट इज सेड ये जो क्लॉज है, ठीक है, ये भी सब्जेक्ट का काम कर रही है। अब हमें पता है कि अगर तुम लोग पहले से जानते हो, अभी मैंने बताया भी था कि इंग्लिश में जो हम सेंटेंस बनाते हैं तो उनका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन होता है। अगर मान लो कोई फ्रेज काम करे सब्जेक्ट का तो हम उसे नाउन फ्रेज कह देंगे, अगर कोई क्लॉज काम करे वही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का तो हम उसे नाउन क्लॉज कह देंगे, ठीक है। तो ये नाउन क्लॉज हो गई और ये नाउन फ्रेज हो गई, फ्रेज और क्लॉज का डिफरेंस समझ पा रहे होगे अब तुम लोग, ठीक है। ये एडजेक्टिव फ्रेज थी, एडजेक्टिव फ्रेज इसलिए थी क्योंकि ये डिस्क्राइब कर रही थी सॉन्ग को, सॉन्ग नाउन है, नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए इसको हमने यूज कर लिया। कोई भी वर्ड, कोई भी क्लॉज या कोई भी फ्रेज जो विच या व्हाट काइंड ऑफ को रिप्लाई करती है वो एडजेक्टिव होती है। तो जैसे हमने लिखा ही सैंग दिस सॉन्ग, विच सॉन्ग, कौन सा सॉन्ग उसने गाया, तो सॉन्ग को डिस्क्राइब करने में हमने लिख दिया विच वॉज इज फेवरेट वन, तो विच वॉज इज फेवरेट वन जो है हमारी एडजेक्टिव फ्रेज क्लॉज हो गई जो सॉन्ग को डिस्क्राइब कर रही है। तो जिस तरीके से फ्रेज को हम एडजेक्टिव एडवर्ब और नाउन में कैटेगराइज कर सकते हैं, उसी तरीके से हम क्लॉजेस को भी एडजेक्टिव एडवर्ब और नाउन में कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। धीरे धीरे अभी क्लियर होता जाएगा, एक एग्जांपल और देखते हैं। फिफ्थ ही वॉज सिंगिंग When they arrived, ठीक है। अब जैसे हमने लिखा he was singing when they arrived, अब he subject हो गया, was singing verb हो गई, ठीक है, और ये पूरा वैसे predicate है, was singing when they arrived जो है ना ये पूरा predicate है, ठीक है, क्योंकि full stop हमने last में use किया, तो ये subject हो गया, ये पूरा predicate हो गया। अब इस predicate में was singing तो हो गई verb, वर्ब फ्रेज हो गई, दो वर्ड मिलकर वर्ब का काम कर रहे हैं, तो हम इसे वर्ब फ्रेज कहेंगे। व्हेन दे अराइव्ड को अब हम क्या कहें, ऑब्जेक्ट तो कह नहीं सकते क्योंकि ऑब्जेक्ट होता है व्हाट या हुम का रिप्लाई। ये जो व्हेन दे अराइव्ड है ना, तो ये व्हाट का रिप्लाई है ना ये हुम का रिप्लाई है, ये एक्चुअल में व्हेन का ही रिप्लाई है। जैसे ये क्लॉज विच से शुरू हो रही तो ये विच का रिप्लाई हो गई, ये व्हेन से शुरू हो रही तो ये व्हेन का रिप्लाई हो गई। अभी हमने पढ़ा कि कोई भी ऐसा वर्ड जो व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ को रिप्लाई करे वो एडवर्ब होता है,
ठीक है। अब अगर कोई क्लॉज व्हेन वेयर व्हाई हाउ को रिप्लाई करे तो वो एडवर्ब क्लॉज हो गई, अगर कोई फ्रेज व्हेन वेयर व्हाई हाउ को रिप्लाई करे तो वो एडवर्ब फ्रेज हो गई। तो ये जो हमने व्हेन दे अराइव्ड लिखा ना, इसमें ये हो गया सब्जेक्ट, दे अराइव्ड हो गई मेन वर्ब, तो हम इसको फ्रेज तो कह नहीं सकते क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है मेन वर्ब भी, तो इसे हमें क्लॉज कहना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये क्लॉज व्हेन का रिप्लाई है और हमें पता है व्हेन वेयर व्हाई हाउ का रिप्लाई एडवर्ब्स होते हैं, तो ये एडवर्ब क्लॉज हो गई। ठीक है, तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका अपना एक मीनिंग होता है, वो मीनिंग कंप्लीट नहीं होता है और उनमें कोई मेन वर्ब नहीं होती है, उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम कहते हैं फ्रेज। फ्रेज जो होती है वो एडजेक्टिव भी हो सकती है, एडवर्ब भी हो सकती है, नाउन भी हो सकती है, ठीक है। प्रीपोजिशनल फ्रेजेस जो होती हैं, जो प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट बनाने से बनती हैं, वो एडजेक्टिव या एडवर्ब भी होती हैं। उसके बाद में कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनमें मेन वर्ब होती है और सब्जेक्ट होता है और वो सेंटेंस का पार्ट होते हैं, वो इंडिपेंडेंट सेंटेंस नहीं होते, उसके पार्ट होते हैं, उनको हम कहते हैं क्लॉज, ठीक है। क्लॉज ऑफ फ्रेज में बेसिक डिफरेंस यही होता है कि क्लॉज में मेन वर्ब होती है और उसका सब्जेक्ट होता है, फ्रेज में मेन वर्ब और सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है, वो केवल ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं, मेन वर्ब नहीं होती। उसके बाद में जिस तरीके से एडवर्ब को, मतलब फ्रेज को हम एडजेक्टिव एडवर्ब नाउन के अकॉर्डिंग कैटेगराइज कर सकते हैं, उसका फंक्शन सेंटेंस में देखने के बाद में, कि अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है तो नाउन फ्रेज है, किसी नाउन को डिस्क्राइब कर रही है विच का व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है तो एडजेक्टिव फ्रेज है, ठीक है। व्हेन वेयर व्हाई हाउ का रिप्लाई है तो एडवर्ब फ्रेज है। उसी तरीके से हम क्लॉजेस को भी कर सकते हैं, ठीक है। जो क्लॉजेस सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होती हैं वो नाउन क्लॉज होती हैं, जो क्लॉज किसी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए लिखी जाती हैं व्हाट काइंड ऑफ है विच का रिप्लाई होती हैं वो एडजेक्टिव क्लॉज होती हैं, और जो क्लॉजेस व्हेन वेयर व्हाई हाउ को रिप्लाई करती हैं वो एडवर्ब क्लॉजेस होती हैं, ठीक है। तो यहां तक हम आए। अब थोड़ा सा क्लॉजेस को ना हम डिटेल में समझ लेते हैं। डिटेल में समझने का मतलब थोड़ा सा इसको और इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें क्लियर हो जाने चाहिए। जैसे हमने लिखा मोहन sang अ सॉन्ग एंड वी enjoyed हिज सिंगिंग, ठीक है, एक ही हो गया। फिर हमने एक सेंटेंस लिखा मोहन sang अ सॉन्ग, आफ्टर दे ऑल हैड अराइव्ड। अब देखो जैसे ये हमने सेंटेंस लिखे तो ये हमारे दो सेंटेंस हैं, एक सेंटेंस ये, एक सेंटेंस ये, ठीक है। यहां पे हमने एक सिंगल फुल स्टॉप यूज किया ना, तो ये एक ही सेंटेंस हुआ पूरा का पूरा, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास दो सेंटेंस हैं और दोनों सेंटेंस में हमने दो दो क्लॉज यूज किए हैं। एक क्लॉज है मोहन sang a song, मोहन sang a song, एक है वी एंजॉयड हिज सिंगिंग, दे ऑल हैड अराइव्ड, ठीक है। तो एक क्लॉज ये हो गई, इसका सब्जेक्ट हो गया मोहन और प्रेडिकेट हो गया sang a song, यहां पे भी वही है मोहन सब्जेक्ट हो गया sang a song प्रेडिकेट हो गया। यहां पर आते हैं वी सब्जेक्ट हो गया एंजॉयड हिज सिंगिंग प्रेडिकेट हो गया, दे सब्जेक्ट हो गया ऑल हैड अराइव्ड उसका प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। तो ये दो अलग अलग हमारे पास में क्लॉज हो गई। जब भी हमारे पास दो या दो से ज्यादा वर्ड होते हैं तो हमें उन्हें कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो कनेक्ट करने का काम इंग्लिश में करते हैं कंजंक्शन। ये एंड जो है और आफ्टर है, ये हमारे कंजंक्शंस हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइप ऑफ क्लॉज को समझने के लिए हमें टाइप ऑफ कंजंक्शन समझने पड़ेंगे, तो उसके लिए हम तैयार रहे, ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा इशू है। एक काम करते हैं, यहां से लिखता हूं। देखो ये जो इंग्लिश में कंजंक्शंस होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हम कहते हैं उन कंजंक्शंस को जो सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को कनेक्ट करके कंपाउंड वर्ड्स बनाते हैं, कंपाउंड वर्ड्स बनाते हैं, कंपाउंड क्लॉज बनाते हैं, कंपाउंड फ्रेज बनाते हैं, ठीक है, ऐसे हो गए। मतलब सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को जोड़ते हैं, बात यह है। ये हो गए फॉर एंड नॉर बट और येट सो एटसेट्रा।
ये सारे में ध्यान रखने, क्योंकि ये जो भी हम सीख रहे हैं पिछली क्लास से डिस्कस करना हमने शुरू किया है, ये सब फंडामेंटल्स इंग्लिश के। अगर इंग्लिश को बेहतर से सीखना समझना चाहते हो तो उसके लिए इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारे हमारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं, इनको याद रखना पड़ेगा। हालांकि इनको याद रखने के लिए एक निमोनिक यूज किया जाता है, आप भी उसी को याद करें, उसी को यूज करें, फैन बॉयज, फॉर एंड नॉर बट और येट सो। तो जो फैन बॉयज है ना, ये एक निमोनिक है। निमोनिक का मतलब होता है कोई एक ऐसी डिवाइस या ट्रिक जिसके थ्रू हमें मेमोरी मतलब वर्ड याद रह जाते हैं, ठीक है, या कोई भी चीज़ याद रह जाती है। तो ये जो फैन बॉयज है ना, एक निमोनिक है जिसके थ्रू हम याद रख सकते हैं कि हमारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस कौन से होते हैं, फॉर एंड नॉर बट और येट सो, ठीक है। इसके बाद में जो कंजंक्शंस बच जाते हैं उन्हें कहते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेट। अब वैसे तो अगर कहें तो फैन बॉयज को छोड़कर जो भी बच गए वो सबऑर्डिनेट ही होते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे कुछ कॉमनली यूज सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस लिख देता हूँ। इफ है, अनलेस है, अनटिल है, देन है, दैट है, दाव है, आफ्टर है, बिफोर है, बिकॉज है, ठीक है, वेन है, एटसेट्रा। ये अपना ध्यान रखना कि जो WH फैमिली वर्ड्स होते हैं ना, जब हम उन्हें एज ए कंजंक्शन यूज करते हैं तो वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का ही रोल प्ले करते हैं, ठीक है। WH फैमिली वर्ड्स जो होते हैं, जब हम उनको एज कंजंक्शन यूज करते हैं तो वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का ही रोल प्ले करते हैं। तो ये दो तरीके के हमारे पास कंजंक्शन हो गए, एक कोऑर्डिनेट हो गए, एक सबऑर्डिनेट हो गए। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गए फैन वॉइस, फॉर एंड नॉर बट और येट सो, और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गए ये सारे, बाकी छोड़ के फैन वॉइस को छोड़ के, अदर देन फैन वॉइस जो भी है वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गए। WH फैमिली वर्ड जो होते हैं, जब उनको एज ए कंजंक्शन यूज करते हैं तो उनका रोल जो होता है वो सबऑर्डिनेट का ही होता है, तो हम उन्हें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ही कहते हैं, वेन, वेयर, वाई, हाउ वगैरह ये सारे। तो देखो, एक क्लॉज ये हो गई, 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 ठीक है। ऐसे अब हम देख रहे हैं कि ये क्लॉज तो खैर हमने बिना कंजंक्शन के लिख रखे हैं, इनके लिए तो हमें कोई कंजंक्शन की जरूरत नहीं है, तो हम इन्हें कहेंगे मेन क्लॉज। अब चाहो तो तुम इन्हें प्रिंसिपल क्लॉज भी कह सकते हो, प्रिंसिपल क्लॉज कह दो या मेन क्लॉज कह दो, वो एक ही बात होती है, ठीक है। अच्छा, जो क्लॉज हम कंजंक्शन के साथ लिखते हैं, जैसे वो जो हमने लिखे ना, एंड वी एंजॉयड हिज सिंगिंग, वो उसको हम मेन क्लॉज नहीं कहेंगे, प्रिंसिपल क्लॉज नहीं कहेंगे। आफ्टर दे ऑल हैड अराइव्ड, इसको भी हम नहीं कहेंगे। एक काम करना है, थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया, गलत लिख गया, इसको ऐसे लिखना, दे हैड ऑल अराइव्ड, ठीक है। ये जो दोनों हमारी क्लॉजेस हैं, इनमें जो एंड है ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो हम इसे कहेंगे कोऑर्डिनेट क्लॉज, ये आफ्टर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो हम इसे कहेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। तो ये भी हमें सीखना है कि जो सेंटेंस में हमारी क्लॉजेस होती हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन, तो हम उनको एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन में कैटेगराइज कर लेंगे, वो एक चीज है, ठीक है। कि अगर क्लॉज सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है तो वो नाउन है, किसी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए उसकी गई क्लॉज है तो वो एडजेक्टिव है, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ का रिप्लाई है तो एडवर्ब है। लेकिन एक और भी टाइप हमें समझना है क्लॉजेस का, वो टाइप ये है कि सेंटेंस की वो क्लॉजेस जो हम बिना कंजंक्शन के लिखते हैं वो होती है मेन क्लॉज, वी कैन कॉल देम प्रिंसिपल क्लॉज, इधर प्रिंसिपल क्लॉज भी कह सकते हैं। तो चाहे इसे मेन क्लॉज को चाहे प्रिंसिपल क्लॉज को, भी एक ही बात है, ठीक है। जो क्लॉज हम कंजंक्शन के साथ लिखते हैं वो क्लॉज या तो कोऑर्डिनेट होती है या सबऑर्डिनेट होती है। अब वो क्लॉज कोऑर्डिनेट है या सबऑर्डिनेट है डिपेंड करता है टाइप ऑफ द कंजंक्शन पे, कि तुमने टाइप कौन से टाइप का कंजंक्शन यूज किया। कंजंक्शन कोऑर्डिनेट यूज किया तो क्लॉज कोऑर्डिनेट हो गई, कंजंक्शन सबऑर्डिनेट यूज किया तो क्लॉज सबऑर्डिनेट हो गई, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गई, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। होता क्या है इंग्लिश में कि कोऑर्डिनेट है, सबऑर्डिनेट है, मेन क्लॉज है, इसके अलावा क्लॉजेस को कैटेगराइज करने का एक और भी तरीका होता है, वो तरीका होता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। जो क्लॉजेस होते हैं ना, इनको कैटेगराइज करने का एक और भी तरीका होता है, अक्सर तुम लोगों ने बुक्स वगैरह में पढ़ा पढ़ाया होगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। ऐसे तो जब इतना ही सब सीख रहे हैं कि नाउन क्लॉज क्या है, फ्रेज और एडवर्ब क्लॉज क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या है, कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, ठीक है, तो ये भी सीख लेते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज क्या है, ठीक है। अब वैसे अगर याद रखने वाली बात करें तो जो हमारी मेन क्लॉज होती है और कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है, ये होती है इंडिपेंडेंट, ठीक है। सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होती हैं वो होते हैं डिपेंडेंट। ऐसे
तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमारे सेंटेंस में जो मेन क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है ना, उनको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो सबॉर्डिनेट क्लॉजेस होती हैं वो डिपेंडेंट क्लॉज होती हैं। क्यों वो डिपेंडेंट क्लॉज होती हैं, बाकी कोऑर्डिनेट क्लॉज क्यों नहीं डिपेंडेंट क्लॉज होती, अब देखो इसको भी मैं समझा देता हूँ। टाइम तो बड़े तेज बीत जाता है, पता भी नहीं चलता यहाँ पे। तो यहाँ तक खैर हम लोग आए, देखो एक दो क्वेश्चन मैं और लिखूंगा, फिर उसके बाद में मैं आपको समझाता हूँ कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का क्या चक्कर है। एक सेंटेंस हमने लिखा, ही हैज फॉरगिवन द मैन हु स्टोल हिज मनी, ठीक है। एक और लिखा, वी शैल नेवर ट्रस्ट, दिख रही है लाइन, वी शैल नेवर ट्रस्ट व्हाट ही इज सेइंग। अब देखो व्हाट ही इज सेइंग, हु स्टॉल हिज मनी, ये भी हमारी सबॉर्डिनेट क्लॉज है, ये सबॉर्डिनेट क्लॉज है और ये भी सबॉर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि कोऑर्डिनेट क्लॉज वही होती है जिसमें हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज करें। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का मतलब होता है फॉर और, मतलब फैन वर्ड्स वही फॉर एंड नॉर बट और येट्स, ठीक है। डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड सबॉर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, तो ये जो व्हाट है ये डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड है, हु डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड है, आफ्टर तो खैर है ही सबॉर्डिनेट कंजंक्शन, तो ये हमारी सबॉर्डिनेट क्लॉज हो गई। ये सबॉर्डिनेट क्लॉज है, ये सबॉर्डिनेट क्लॉज है, ये सबॉर्डिनेट क्लॉज है, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है, ये जो लिखी हुई है ये मेन क्लॉज है। ठीक है, अब यहां तक आ गए, तो अब देखो थोड़ा सा समझते हैं। ये जो हमारी सबॉर्डिनेट क्लॉजेस होते हैं ना, जो अभी हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि जो क्लॉज होती है सेंटेंस में उसको हम एडजेक्टिव एडवर्ब और नाउन में कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। ये बात एक्चुअल में सबॉर्डिनेट क्लॉजेस को लेकर कही जाती है, ये यहां पे हमें समझना है कि जो हम कहते हैं ना कि क्लॉज जो होती है वो सेंटेंस में नाउन एडजेक्टिव या एडवर्ब के अकॉर्डिंग उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं टाइप को, कि अगर वो सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है तो हम इसे नाउन क्लॉज कहेंगे, अगर वो किसी नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रही है तो एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे, अगर वो वर्ब को डिस्क्राइब कर रही है व्हेन वेयर व्हाई हाउ का रिप्लाई तो एडवर्ब क्लॉज कहेंगे, ठीक है। तो ये जो नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब क्लॉजेस होती है ना, ये एक्चुअल में सबॉर्डिनेट क्लॉजेस होती है हमेशा, कोऑर्डिनेट क्लॉज कभी नहीं होती एडजेक्टिव एडवर्ब नाउन, ठीक है। अब ये जो हमारी सबॉर्डिनेट क्लॉजेस हैं अगर हम इनको देखें, तो अगर ये सबॉर्डिनेट क्लॉज है तो इसका मतलब या तो ये नाउन होंगी या एडजेक्टिव होंगी या एडवर्ब होंगी। अब हम इन्हें पहचानते हैं, वी शैल नेवर ट्रस्ट व्हाट, तो हमने पढ़ा व्हाट या हुम का रिप्लाई ऑब्जेक्ट होता है, जो वर्ड्स व्हाट या हुम को रिप्लाई करते हैं वो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो विच को या व्हाट काइंड ऑफ को रिप्लाई करते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, जो व्हेन वेयर व्हाई हाउ को रिप्लाई करते हैं वो एडवर्ब होते हैं। तो अगर वो वर्ड जो व्हाट को रिप्लाई करता है नाउन होता है ऑब्जेक्ट होता है, तो जो व्हाट का व्हाट है वो भी वही होगा। तो ये जो वर्ड के साथ हम क्लॉज लिखते हैं ना, ये क्लॉज नाउन क्लॉज होती है। अब अगर ध्यान से देखोगे ना, तो ये जो व्हाट इज सेइंग हमने लिखा ना, ये इस ट्रस्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट है। हमने लिखा वी शैल नेवर ट्रस्ट, हम कभी ट्रस्ट नहीं करेंगे। भाई क्या नहीं ट्रस्ट करोगे, व्हाट इज सेइंग जो ये कह रहा है, तो वो जो कह रहा है ना वही हमारा ऑब्जेक्ट है ट्रस्ट वर्ब का। तो ये पूरी क्लॉज जो है ये ऑब्जेक्ट होगी ट्रस्ट वर्ब का, तो हम इसे कहेंगे नाउन क्लॉज, ठीक है। इस पे आते हैं, ही हैज फॉरगिवन whom, whom has he forgiven, तो whom का रिप्लाई आ गया the man, man को forgive कर दिया, आदमी को माफ कर दिया उसने, कौन सा man, which man, तो which man का रिप्लाई हमने लिख दिया who stole his money, जिसने उसका पैसा चुराया था। अब वो जो who stole his money हमने क्लॉज लिखी है ना, वो क्लॉज इस man noun को डिस्क्राइब कर रही है, ठीक है। तो अगर ये क्लॉज इस man noun को डिस्क्राइब कर रही है, तो noun को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड फ्रेज क्लॉज तो एडजेक्टिव होते हैं, तो एडजेक्टिव क्लॉज हो गई, ठीक है। फिर हमने लिखा मोहन sang a song, when, मोहन ने गाना गाया, कब गाया उसने गाना, आफ्टर दे हैड ऑल अराइव, जब वो सारे आ गए। तो ये जो हमने आफ्टर दे हैड ऑल अराइव लिखा है ना, ये हमारा वेन का रिप्लाई है। अब ये क्लॉज वेन को रिप्लाई कर रही है, जो वेन वेयर व्हाई हाउ को रिप्लाई करते हैं वो एडवर्ब्स होते हैं, तो ये एडवर्ब क्लॉज हो गई। ये एडवर्ब क्लॉज इसलिए है क्योंकि इस वर्ब को डिस्क्राइब कर रही है, वेन का रिप्लाई है। ये हमारी एडजेक्टिव क्लॉज है क्योंकि इस मैन नाउन को डिस्क्राइब कर रही है।
ये नाउन क्लॉज इसलिए है क्योंकि वो इस ट्रस्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जो सबॉर्डिनेट क्लॉजेस होती हैं ये नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब का काम करती हैं। अब जरा देख लेते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या करते हैं। कोऑर्डिनेट क्लॉज कुछ नहीं करती, कोऑर्डिनेट क्लॉज कुछ नहीं करती। कुछ नहीं करने का मतलब होता है ना वो नाउन होती है ना वो प्रोनाउन होती है ना वो एडजेक्टिव होती है, वो खुद एक इंडिपेंडेंट एक्शन होती है, ठीक है। अब देखो हमें पता कि व्हाट इज सेइंग जो हमने क्लॉज लिखी है ना ये ऑब्जेक्ट है उस ट्रस्ट वर्ब का, तो ये इंडिपेंडेंट कोई एक्शन तो है नहीं, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्वियस बात है किसी मेन वर्ब के लिए ही यूज करोगे, उसका अपना सेल्फ एग्जिस्टेंस तो कुछ होता नहीं है। तो ये क्लॉज जो है वो डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि वो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अगर हम उस वर्ब को हटा दें तो फिर इसकी कोई जरूरत नहीं रहेगी यहां पे, ठीक है। हु स्टोल हिज मनी, ये जो क्लॉज है ये एडजेक्टिव है, और हमें पता है एडजेक्टिव को बिना नाउन के लिए नहीं यूज किया जा सकता, तो अगर नाउन है तो एडजेक्टिव है, नाउन ना हो तो एडजेक्टिव क्या कर लेगा। तो इसका मतलब ये जो हु स्टोल हिज मनी हमने क्लॉज लिखी है ये डिपेंडेंट क्लॉज है जो इस मैन के रिलेशन में यूज की जा रही है, अगर मैन ना हो तो ये भी नहीं, ठीक है। After they had all arrived, हमें पता ही adverb है, adverb का use किया जाता है किसी verb को refer करने के लिए, अगर verb ही ना हो तो adverb क्या कर लेगा। तो ये जो हमारी subordinate clauses होते हैं ना ये main clause के लिए use की जाती हैं, या तो ये main clause में लिखी गई verb को describe करती हैं, या उसमें लिखे किसी noun को describe करती हैं, या main clause में लिखे गए verb के subject object होती हैं। तो ये independent नहीं होती हैं, dependent होती हैं, ठीक है। अच्छा main clause होती है वो independent action होती है, अगर मान लो कहीं पे इतना सेंटेंस लिख दे मोहन सेंगर सॉन्ग तो ये कंप्लीट है, पहले था ना हमने पहले डिस्कस किया था शुरू में, तो ऐसे डिस्कस किया था ये सब्जेक्ट हो गया प्रेडिकेट हो गया। अगर हम कहीं पे लिख दें ही हैज फॉरगिवन द मैन तो ये भी कंप्लीट हो गया, अगर हम कहीं पे लिख दें वी शैल नेवर ट्रस्ट तो ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हम लिख दें व्हाट इज सेइंग, तो व्हाट इज सेइंग जो नाउन क्लॉज है या तो ये सब्जेक्ट होगी या ऑब्जेक्ट होगी, कहाँ है तुम्हारा सब्जेक्ट कहाँ है ऑब्जेक्ट, ठीक है। भाई अगर मान लो मैं ऐसे लिख दें व्हाट इज सेइंग कहीं पे, तो ये नाउन क्लॉज है, व्हाट के साथ लिखी हुई क्लॉज नाउन होती है, तो अगर ये नाउन क्लॉज है तो या तो ये किसी वर्ब का सब्जेक्ट होगी या किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट होगी, कहीं वर्ब तो है ही नहीं जिसका ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना दें, तो इसका मतलब हम इसको इंडिपेंडेंटली यूज ही नहीं कर सकते, ठीक है। क्वेश्चन भले बना दो व्हाट इज ही सेइंग, फिर वो क्या हो जाएगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसी तरीके से जैसे हमने लिखा मोहन ही हैज फॉरगिवन द मैन, ठीक है, हु स्टोल हिज मनी, अगर हम कहीं पे हु स्टोल हिज मनी केवल लिख दें क्वेश्चन मार्क ना लगाएं तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है, अभी एडजेक्टिव फ्रेज जिस नाउन को डिस्क्राइब करे वो नाउन तो है ही नहीं, तो इसका मतलब इसका अपना कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। उसी तरीके से आफ्टर दे हैड ऑल अराइव्ड का भी कोई सेल्फ मतलब इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, तो ये डिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं। कोऑर्डिनेट क्लॉज का ऐसा कुछ होता नहीं है, कहीं पे अगर केवल इतना ही लिख दोगे वी एंजॉयड हिज सिंगिंग तो वो कंप्लीट है, मोहन सेंग सॉन्ग ये भी कंप्लीट है, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट एक्शन है। तो हमें यहाँ पे ये समझना है कि जो क्लॉज होती है, ठीक है, उसको हम मेन क्लॉज कोऑर्डिनेट क्लॉज सबॉर्डिनेट क्लॉज में कैटेगराइज कर देते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट क्लॉज वो जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ लिखी जाए, सबॉर्डिनेट क्लॉज वो सबॉर्डिनेट कंजंक्शन के साथ लिखी जाए, जो बिना कंजंक्शन लिखी जाए वो मेन क्लॉज। जो मेन क्लॉज होती है और कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है वो हमारे होते हैं इंडिपेंडेंट एक्शन, ठीक है। लेकिन जो सबॉर्डिनेट क्लॉज होती है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं होती, वो डिपेंडेंट क्लॉज होती है। डिपेंडेंट क्लॉज इसलिए होती है क्योंकि वो एडजेक्टिव एडवर्ब या नाउन होती है, ठीक। लगभग हम लोगों ने एक घंटा पूरा कर लिया, तुम लोगों के साथ में बहुत अच्छा टाइम बीता है, मज़ा भी आया। तो अगली क्लास में मंडे की लगाऊंगा, ठीक है। अब मैं एक बार तुम्हें ऐसे रिवाइज करवा देता हूँ जल्दी से, कि जो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश नाम से ही हमने सीरीज शुरू की है, एक प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश नाम से, ठीक है। तो ये उसका मतलब दूसरा वीडियो होगा। इस वीडियो में मेनली हमने बेसिक टर्म्स ही क्लियर किए कि भाई सेंटेंस क्या है, ठीक है, और सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, कंपाउंड सब्जेक्ट क्या है, कंपाउंड प्रेडिकेट क्या है, क्लॉज क्या है, फ्रेज क्या है, उनके टाइप्स क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, सबॉर्डिनेट क्लॉज क्या है, ये सब डिस्कस किया, ठीक है। मैं हमने आते ही शुरू में सबसे पहले हमने क्या लिखा बोर्ड पे कि आज की हमारी क्लास है इसमें हम सीखेंगे द सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स, ठीक है। तो ये इतना हमने डिस्कस कर लिया, इसके कुछ पार्ट्स और बचे हुए हैं वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, ठीक है, जैसे मतलब जो भी हमने पढ़ा या सीखा है, जो भी मतलब डिस्कस किया उससे रिलेटेड कुछ भी ऐसा तुम्हें लगता है जो समझ में नहीं आया या पूछना है, ठीक है, तो वो जब ये वीडियो मैं सेव कर दूंगा अभी लाइव स्ट्रीमिंग बंद हो जाने के बाद में, तो बाद में कमेंट करना, तो कमेंट में मैं पढ़ लूंगा तो मैं जान जाऊंगा कि तुमने क्या पूछा है, और फिर उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो पहले डिस्कस करके फिर आगे कंटेंट को कंटिन्यू करेंगे। तो ये सीरीज ऐसे चलती रहेगी, ठीक है, और कंटिन्यू रहेगा।
अब हम एक दो वो तुम्हारे क्या नाम क्वेश्चंस अगर कुछ ढंग के हो, मुझे लगता नहीं। हाँ एक चीज मेरी तरफ और बताने को, अभी देखो मैं अपनी तरफ से पहले बता देता हूँ कि मेरी बातें अधूरी ना छूट जाएं। जो हमारा ऐप है एसेक स्टडी, ठीक है, तो ये शायद मैंने पिछले हफ्ते कोई वीडियो बनाया होगा तो उसमें भी समझाया होगा कि जो हमारा वीकली टेस्ट है ना सैटरडे वाला, सैटरडे का जो हमारा सैटरडे टेस्ट होता है वीकली, ठीक है, वो इस बार से फंक्शनल हो जाएगा। इस बार से फंक्शनल हो जाने का मतलब ये कि कल आप चाहोगे तो 5 जनवरी को वो टेस्ट दे पाओगे, ठीक है। कल से मतलब वो हमारे ऐप पे काम करेगा, आप उसको टेस्ट को दे पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये टेस्ट किसी भी बच्चे के लिए है, कोई भी बच्चा इस टेस्ट को दे सकता है, और ठीक है उसके लिए कोई फॉर्मेलिटी वगैरह ज्यादा नहीं है, बस ऐप डाउनलोड करना है। एसेक स्टडी नाम का ऐप है, इस ऐप को डाउनलोड करना है, अपना साइन अप वगैरह उस पर करना है, क्रेडेंशियल्स वगैरह डाल के लॉगिन करना है, ठीक है। और सैटरडे को टेस्ट मुझे लगता है सुबह 10-11 बजे तक लाइव हो जाएगा, हो सकता है पहले हो जाए, अपना देख लेना एक बार और उसको टेस्ट को देना। वो जो हमारा वीकली टेस्ट होता है ना सैटरडे को, हम उसको कहते हैं सीपीटी, सीईपीटी। सी का मतलब क्लासिक, क्लासिक क्लासेस मेरे नाम है कोचिंग का, तो सीपीटी का मतलब हो गया क्लासिक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, 100 मार्क का टेस्ट होता है और हम इसको थोड़ा सा मेहनत करके तैयार करते हैं, ठीक है। मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, प्रीवियस ईयर के रट्टे वट्टे वाले नहीं होते हैं। अगर ये टेस्ट दोगे तो आपको अपना एक्चुअल में एवेल्युएशन पता चलेगा कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो इंग्लिश में, ठीक है। कितना पढ़ा है, कितना याद किया, वो अलग चीज़ है, लेकिन जब नौबत आएगी तो कितना परफॉर्म कर लोगे वो यहाँ से टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 100 मार्क का टेस्ट होगा और क्वेश्चंस बिल्कुल उसी टाइप के होंगे जैसे हमारे पेपर में आते हैं, वनडे कॉम्पिटिशन में आते हैं। सेंटेंस अरेंजमेंट है, वोकैब है, ग्रामर है, फिल इन द ब्लैंक्स है, क्लोजेस है, अनसीन पैसेज है, वही सारे होंगे, ठीक है। बस ये बता देता हूँ ये सिंगल अटेम्प्ट टेस्ट है, सिंगल डे। मतलब इस टेस्ट को आप केवल संडे को, सैटरडे को ही अटेम्प्ट कर सकते हो, एवरी सैटरडे ये लाइव हो जाया करेगा, ठीक है। सैटरडे को आप सुबह से लेकर रात तक, जब तक डेट ना चेंज हो जाए, किसी भी टाइम इसको अटेम्प्ट करके दे सकते हो, ठीक है। और बाकी दिनों में इसको नहीं दे पाओगे, अगर अपने को अवेलेट करना चाहते हो तो थोड़ा सा डिसिप्लिन होना पड़ेगा। मेरे साथ चीज़ें जो होती हैं वो थोड़ी सी ऐसी होती हैं, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। और तो सैटरडे को अपना टेस्ट दो, सिंगल अटेम्प्ट है, बस ये ध्यान देना, एक बार टेस्ट शुरू करना तो कंप्लीट करके छोड़ना, दोबारा दे नहीं पाओगे, ठीक है। क्योंकि वो हम नहीं चाहते कि एक बार किसी ने टेस्ट दे लिया, क्वेश्चन जान जाएगा, फिर अगली बार देगा, अपने को इम्प्रूव कर लेगा। हालांकि वो अपने को धोखा दे रहा होगा, उससे हमें कोई नुकसान नहीं होना, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि अगर हमारे पार्ट में कुछ ऐसा बन सकता है तो हम बच्चों को एक मौका दें फेयर एवेल्युएशन का, कि वो अपने को फेयरली इवेल्युएट करे कि उसका अपना स्टैंड क्या है लैंग्वेज लर्निंग को लेकर, ठीक है। तो ये कल से लाइव हो जाएगा, सिंगल अटेम्प्ट है, सिंगल डे टेस्ट है, सैटरडे को ही देना है और एक ही बार में दे सकते हो, दोबारा उस टेस्ट को दे नहीं पाओगे। हालांकि उसके बाद में आपकी रिस्पॉन्स शीट आपको मिल जाएगी कि आपके कौन से क्वेश्चन सही हुए, कौन से क्वेश्चन गलत हो गए। और दूसरी मजे की बात, जो भी जानने शायद कुछ बच्चों को नहीं जानते होंगे, मैं बता देता हूँ। ये जो आप टेस्ट दोगे ना 100 मार्क्स का सैटरडे को, इसी टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन, वीडियो का हम तो लाइव ही डिस्कस कर लेंगे उसे, वीडियो सॉल्यूशन इसी टेस्ट का आपको मिल जाएगा, इधर संडे और मंडे, मतलब संडे या मंडे में उसी टेस्ट का आपको वीडियो डिस्कशन भी मिल जाएगा। तो आपने जो उसमें क्वेश्चन वगैरह किए होंगे वो क्यों गलत हो गए, क्यों सही हो गए, ये भी जान पाओगे, ठीक है। और कुछ नया भी सीखने को मिल जाएगा जब सॉल्यूशन उसका डिस्कशन होगा। तो टेस्ट देना अपना, ठीक है, उसके बाद में ये मिल जाएगा। जिन बच्चों ने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड ना किया हो ऐसे की स्टडी, ठीक है, वही ऐप अपना डाउनलोड कर लें, क्योंकि आप टेस्ट इसी पे दे पाओगे। टेस्ट यहाँ होगा, वीडियो सॉल्यूशन जो डिस्कशन वगैरह होगा वो हम यूट्यूब पे कर लेंगे, लेकिन उसका प्रॉपर फायदा जितना मिलना चाहिए वो तभी मिलेगा जब एक बार आप टेस्ट अपने आप देख लोगे, ठीक है। और ये तो थी मेरी कहानी, जो मुझे अपनी तरफ से बातें करनी थी मैंने कर ली। अब अगर तुम्हारा कुछ भी ढंग का पूछने वाला है तो मैं 5 मिनट तुम लोगों के कमेंट पढ़ूंगा, उसके बाद फिर निकल जाऊंगा। असल आजकल मैं मूवी नहीं देख पा रहा बिल्कुल रात को। तो सर पीडीएफ मिलेगी? पीडीएफ शायद मुझे लगता है आपसे डाउनलोड हो जाएगी, हाँ बाद में। कैमरा ठीक कर लें, क्या कैमरे में है? हाँ कैमरा देखूंगा मैं आज, इसमें क्या दिक्कत है। सर मैं शुरू कर रहा हूँ सीजीएल की तैयारी, सर मैं कितने दिनों में इंग्लिश सीख जाऊंगा? ये जो बच्चा, एक मिनट रुक जाओ, कमेंट करना बंद करो। ये जो राकेश वर्मा बच्चे ने क्वेश्चन पूछा ना, यही मैंने अपने एक सर से पूछा था, ठीक है। मैंने उनसे पूछा, मैं असल में उनको ऐसे ही स्पिरिचुअली मिलने जाता था थोड़ा सा, ठीक है। तो वो मेरे को एक दिन एक कहानी बता रहे थे कि कोई पर्सन था, वो कहीं किसी तीर्थ यात्रा पे जा रहा था, तो रास्ते में उसको कोई फकीर मिले, उन्होंने उससे पूछा कि फकीर साहब मैं ऐसी फलां फलां जगह जा रहा हूँ और मुझे वहाँ पहुँचने में कितना टाइम लग जाएगा। तो उन्होंने कहा कि भैया वो जगह इतनी दूर है तो तुम्हें पता ही है,
अब कितना टाइम लग जाएगा ये तो कोई नहीं बता पा सकता, इट डिपेंड्स ऑन यू, ये तो तुम पर डिपेंड करता है। जैसे मटक मटक के चल रहे हो ऐसे ही चलते रहो तो हो सकता है साल निकल जाए ना पहुंच पाओ, और नहीं तो हो जाओ गोली, ठीक है, रेल बन जाओ तुरंत पहुंच जाओगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर मुझसे जानना चाह रहे हो, मैं भले ही टसन दिखाने के लिए या तुम्हें मतलब रफा दफा करने के लिए कोई मनचाहा आंसर दे दूं जो तुम सुनना चाह रहे हो, लेकिन इसका एक्चुअल में कोई आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हें कितना टाइम लगेगा ये डिपेंड करेगा कि तुम कितने डिवोटेड हो, तुम कितने डेडिकेटेड हो, तुम्हें पढ़ाने वाला कितना डेडिकेटेड है, और जिस कंटेंट को तुम डील कर रहे हो वो इफेक्टिव कितना है। तो उसमें कई कंपोनेंट हैं जो डिसाइड करेंगे कि तुम्हारा टाइम कितना लगेगा चीजों को क्लियर होने में, और कभी होंगी भी या नहीं होंगी। तो ये तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं इनका क्या मैं आंसर दे दूं। अब देखो फिर से पूछ रहा है इंग्लिश कब तक आ जाएगी, ऐसे बता दूं इंग्लिश कब तक आ जाएगी। चलो ठीक है, बढ़िया है, जो भी आपके क्वेश्चंस क्वेरीज वगैरह हैं वो आप बाद में कमेंट करते हैं वीडियो में, मैं देख लूंगा, ठीक है। और उसके बाद में फिर हम मंडे को मिलते हैं नेक्स्ट इसी क्या नाम सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए, ठीक है, जो आज हमने पार्ट्स डिस्कस किए उनको आगे डिस्कस करेंगे। नमस्कार, गुड नाइट, बंद कर देता हूं मैं ये, कहां से देखता हूं बंद होगा, यहां से शायद होगा, ठीक है। सो बाय बाय एवरीबॉडी, और ये